धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने एक तरफ जहां कश्मीर की जनता को कई सौगात दिए तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के लिए एक मंत्र भी दिया। इस दौरान पीएम ने मेड इन इंडिया मिशन का जिक्र किया। कश्मीर की किस्मत बदलने के लिए पीएम ने जिस प्लान का जिक्र किया वो क्या है और इस प्लान से कैसे फायदा होगा, चलिए बताते हैं। शादी एक शब्द जो हर जुबान पर हाजिर होता है, कोई मंदिर में करता है तो कोई विदेशों में, लेकिन भारत में इतने खूबसूरत जगह पर्याप्त हैं जिसके बारे में लोग सोचते तक नहीं। अब पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने कश्मीर की किस्मत बदलने का एक प्लान शेयर किया जिसमें मेड इन इंडिया का जिक्र किया गया। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हम मेरा मिशन है मेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते। निसंदेह कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेहतर ऑप्शन है जिसका पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। तो संदेश कश्मीरियों के लिए साफ है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर कश्मीर में न केवल एक खूबसूरत डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की प्लानिंग बताई बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखने को कहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।